हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन वेबसाइट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से जीरोधा काइट ऐप में आप टूल्स का यूज़ कर सकते हैं चार्ट प्रिपेयर करने के लिए। दोस्तों, चार्ट प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और चार्ट प्रिपेयर करने के बाद ही आप जो है वो एनालिसिस कर सकेंगे। इसके वजह से मान लीजिए एक पर्टिकुलर कोई शेयर लेते हैं, हम RSETT ले रहे हैं, उसके अंदर उसको नीचे आप जाएंगे बाय या सेल ऑप्शन भी आता है यहाँ पर, यहाँ पर नीचे देखेंगे ना व्यू चार्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपल व्यू चार्ट वाले ऑप्शन पर टिक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जो भी आपके सूटेबल है, जो आपके उसमें कंफर्टेबल लगते हैं उसको चेंज कर सकते हैं। फिर इस वाले आके कैंडल वाले ऑप्शन में करेंगे तो आपको चार्ट स्टाइल ऑप्शन मिलेंगे, अलग अलग चार्ट स्टाइल ऑप्शन रहते हैं, कैंडल का रहता है, अलग अलग ऑप्शन रहते हैं। यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग फंक्शन मिलेंगे, जिसमें आपको आप देख सकते हैं आपको करंट स्टडीज़ में आपको देखेंगे तो MACD मिल जाएगा, पीवोट पॉइंट्स मिल जाएगा, और यहाँ पर ADX ATR, तो यहाँ पे सारे जो अलग अलग आपको यहाँ पे देखते हैं फंक्शंस, यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी जिसके मदद से आप एनालिसिस कर लेंगे। यहाँ पे सिंबल्स का भी ऑप्शन दे सकते हैं, एक कलर वाइज दे सकते हैं, ग्रीन है, रेड है, ब्लैक है, तो इस तरह से आप कैंडल के कलर भी चेंज कर सकते हैं जो भी आपके लिए यूज़फुल होगी। यहाँ पे दे सकते हैं आप, यहाँ पे जैसे इसको करेंगे तो इस तरह से आप कैंडल आप मान लीजिए आपको कंफर्टेबल लगता है रेड में, आप लगता है वाइट में, ब्लू में, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उस कंफर्टेबल पोजीशन में आप कलर चेंज कर लेंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पर सिंपल बताया। आपको FX वाले ऑप्शन पर टिक करना है और सिंपल आपको नीचे ऑप्शन पर स्क्रॉल करके ये सारे आपको ऑप्शन जो होंगे वो मिल जाएंगे, जो कि एक को आपको एनालाइज करना है और जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। तो MACD, पिवोट, ये जैसे मैंने आपको बताया, ये सारे आपको FX प्लस में आपको आसानी से यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके सेटिंग वाले ऑप्शन देखोगे यहाँ पर नीचे लिख के मोर आएगा तो यहाँ प्लस का सिंबल आएगा, यहाँ पर डूडल्स का ऑप्शन आएगा, ड्रॉ का सिंबल आएगा, ड्रॉ वाले सिंबल आप देखोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग टूल्स दिखाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे ड्रॉ वाले ऑप्शन पर सेलेक्टेड टूल, ड्रॉ सेलेक्टेड टूल, तो यहाँ पे ये अलग अलग आपको सिंबल यहाँ पर दिखाई देते हैं। फिर सेटिंग वाले ऑप्शन पे यहाँ से आपका इनेबल होता है, जैसे मैंने बताया सेटिंग वाले ऑप्शन से आपका जो है वो ड्रॉ टेबल्स का जो है वो सिंबल इनेबल होता है। इस तरह से आपको यहाँ पर चेंज करना है अपने स्टाइल और जो भी आपको एनालाइज करने में आसानी होती है उस तरह से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में बता दें, जैसे मैंने यहाँ बताया ड्रॉ वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं अलग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है तो आप हॉरिजॉन्टल वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे, लाइन ड्रॉ करिए दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सिंपल जो है वो लाइन आप इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। दोस्तों, टूल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिसकी वजह से आप एनालाइज़ कर पाएंगे अपने चार्ट में, चार्ट एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और अगर आप इन टूल्स का यूज़ करेंगे तो आपको चार्ट पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा सहायता होगी। यहाँ पर अलग अलग टूल्स दिए, जैसे ये आपको लाइन के बारे में बताया गया, लाइन के लिए आप यहाँ पे सिंपल लाइन पर ट्रैक करना है ऑप्शन यूज़ करना है, और हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं आपको यहाँ पे अलग अलग लाइन हो गया, आपको अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं, एलिप्स का, डूडल्स का, क्रॉस लाइन्स, और अलग अलग यहाँ पर आपको मिल जाएगा, एनोटेशंस मिल जाएगा, चैनल्स यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं। तो सिंपल आपको इसी वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर यानी जो आपके टूल्स हैं वो यूज कर सकते हैं, जैसे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है, वर्टिकल लाइन है, डूडल लाइंस है, जो भी है आपको यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ नीचे एक ऑप्शन आता है क्लियर ड्राइंग करने का, तो जो भी आपने ड्राइंग बनाई है उसको आप क्लियर ड्राइंग करके हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो दोस्तों, इसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है फॉर चार्ट एनालिसिस के लिए, और अगर आपको इन सब चीज़ों का कमांड रहेगा तो डेफिनेटली आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, लेकिन तभी हो सकता है जब आप अच्छे से चार्ट की एनालिसिस करें। चार्ट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, और ख़ासकर जब आप सभी अच्छे टूल्स और ग्राफ्स का, कैंडल्स का सही से स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर आप इन सब टूल्स का यूज़ करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।